इंडिया में अगर आप लोग अपने लिए स्कूटर लेना चाहते हैं और अगर आप लोग 100 से 125 सीसी के सेगमेंट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। शायद इतने ऑप्शन मिल जाएं कि आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएं कि आप लोग को कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग अपने लिए कोई परफॉर्मेंस ड्रिवन स्कूटर लेना चाहेंगे और आप लोग को चाहिए होगी ऐसी स्कूटर जो देखने में बाइक की तरह हो, उसकी परफॉर्मेंस बाइक वाली हो, लेकिन वो एक्चुअल में एक स्कूटर ही हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन मिलना इंडियन मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी स्कूटर के साथ आ चुका हूँ जिसके अंदर सारी खूबियाँ मिल जाती हैं और वो स्कूटर जो है इंडिया की मोस्ट पावरफुल स्कूटर भी है और मैं बात कर रहा हूँ यामाहा एरोक्स 155। यामाहा एयरवॉक्स 155 को इतने दिन तक चलाने के बाद, इसको टेस्ट करने के बाद आज मैं आपके सामने कुछ अपनी ओपिनियंस, कुछ एक्सपीरियंस लेके आ गया हूँ कि भाई ये मुझे स्कूटर कैसी लगी है, इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं जो मैंने पॉइंट आउट करी हैं। वैसे कमियाँ हर चीज़ के अंदर होती हैं लेकिन बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन आज मैं सारी चीज़ें हाईलाइट करूँगा, सारी प्रोज एंड कॉन्स आपको इस स्कूटर के बारे में बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग बात करने वाले हैं यामाहा एयरवॉक्स 155 के सभी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो पहली चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई है इस यामाहा एयरवॉक्स 155 के अंदर, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई ये स्कूटर जो है परफॉर्मेंस ड्रिवन स्कूटर है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको 155 सीसी वाला इंजन मिल जाता है। और आपके लिए मैं ये बता दूं, बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे कि ये वही इंजन है जो R15 वाली बाइक के अंदर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर बाइक है, यामाहा की फ्लैगशिप बाइक है। तो उसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो आपको इस स्कूटर के अंदर दिया जाता है। लेकिन जहां पर पावर परफॉर्मेंस की बात होती है तो इसके अंदर आपको 15 bhp की पावर मिलती है और 14 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो थोड़ा सा कम है R15 के कंपैरिजन में। पावर फिगर जो टॉर्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह यह है कि स्कूटर के अंदर आपको भाई ऑटोमेटिक गियर्स मिल रहे हैं, उसके अंदर मैनुअल गियर्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन जहाँ पर बात है ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो स्कूटर के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, बहुत ही अच्छी रिफाइंड इंजन मिल जाता है, स्मूथ परफॉर्मेंस है, पावर फिगर्स भी बहुत अच्छी है। और तो और ये स्कूटर जो है इंडिया की मोस्ट पावरफुल स्कूटर भी है। अगर आप लोग इस सेगमेंट के अंदर देखते हैं तो आप लोग को एप्रिलिया की स्कूटर्स मिलती हैं, SXR मिलती है और SR मिलती है, उसके अंदर भी जो पावर्स मिलती है 160 सीसी के अंदर आती है वो स्कूटर्स, लेकिन उसके अंदर जो पावर मिलती है वो इससे कम मिलती है, लेकिन इस स्कूटर के अंदर उससे बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्कूटर के अंदर जो आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है वो काफ़ी एडवांस है। इस स्कूटर के अंदर आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिलती है, ये वही टेक्नोलॉजी है जो आपको एक्सपेंसिव बाइक्स के अंदर मिल जाती है। नॉर्मल आपको स्कूटर में लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इसका मतलब ये होता है, जो लोग बहुत सोच में पड़ गए होंगे भाई लिक्विड कूल क्या कह रहा हूँ मैं ऐसा लफ्ज, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कूलेंट डाला जाता है इंजन को ठंडा रखने के लिए। अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स करते हैं, अगर आप लोग वन गो के अंदर 300-400 किलोमीटर स्कूटर से राइड करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग सेटअप लगाया गया है जिससे आपका इंजन गर्म नहीं होगा। नॉर्मल स्कूटर को अगर आप लोग 300-400 किलोमीटर चलाएंगे तो आपको हीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाएंगे, इंजन काफ़ी हीट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिल रही है, ऑयल कूल टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। तो ये खासियत है इसके अंदर, स्कूटर के अंदर आप लोगों को रिफाइनमेंट अच्छी मिल जाती है, आपको टेक्नोलॉजी अच्छी मिल रही है और ये स्कूटर में आपको स्मार्ट मोटर जनरेटर मिल जाती है जिससे आप लोग बहुत ही इजीली स्मूथली आप लोग स्कूटर को स्टार्ट भी कर पाते हैं। तो यही दूसरी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई है। आइए अब बात करते हैं अगली चीज़ों की। तो तीसरी चीज़ जो इस यामाहा एयरवॉक्स के अंदर मुझे बहुत पसंद आई है वो है स्कूटर का डिज़ाइन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्कूटर के अंदर बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक स्टाइलिंग मिलती है। ऐसी स्कूटर शायद आपने इंडिया में पहली बार ही देखी होगी। अगर मैं बात करता हूँ कुछ हाइलाइट्स इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसकी सीट जो है ये बहुत ही यूनिक है। इसके अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम्प मिल रहा है जिससे आप लोग यहाँ पर बैठते हैं तो आपको कंफर्ट तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन आप लोगों को कुशनिंग भी अच्छी मिलती है और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंफर्ट भी मिल जाता है। अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रैब रेल देनी चाहिए, जैसे एंटॉर्क के अंदर आपको यहाँ पर ग्रैब रेल ऊपर से मिलती है, एवेनस में ऊपर से मिलती है, जुपिटर में ऊपर से यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन अगर मैं इस स्कूटर के अंदर बात करता हूँ, जो इतना थॉटफुल डिज़ाइन है कि इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल्स दी हैं कि आपको वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं लेकिन वो एक्चुअल में ग्रैब रेल ही है। ये देखिए यहाँ पर जो ग्रिप मिल रही है ये एक प्रॉपर ग्रैब रेल बनाई हुई है जिससे अगर आप लोग स्कूटर को स्टैंड पर लगाते हैं तो यहाँ पे आप लोग पकड़ के बहुत ही आसानी से इस स्कूटर को स्टैंड पर भी लगा पाएंगे। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार इसके अंदर कुछ पकड़ने की जगह नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है, बहुत ही खूबसूरती से इंटीग्रेट कर दी गई है इसकी ग्रैब रेल्स, लेकिन इसके अंदर आप लोग को ग्रैब रेल्स मिल रही हैं। उसके अलावा अगर फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसके हेड का जो डिज़ाइन है
वो इतना ज्यादा एजी है, उसके अंदर आप लोग को इतना एज मिल रहा है, इतना शार्प डिजाइन है कि आप लोग को लग रहा है कि यार कोई ये बैटमैन की शक्ल है या बैटमैन का मास्क ये है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको छोटा सा वाइजर मिल रहा है, वैसे तो ये वाइजर किसी काम का नहीं है अगर सच बोला जाए, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को विंड ब्लास्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाइजर विंड ब्लास्ट रोकने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोगों को स्टाइलिंग के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा बड़ा अट्रैक्शन इसका ये है, फ्रंट से अगर आप लोग देखते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को ये जो हेडलाइट्स मिल रही हैं, अगर आप लोग इसको रात में देख पा रहे हैं, जो शॉट मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई स्कूटर जो है कितनी शानदार लग रही है, बिल्कुल R15 लग रही है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं अंधेरे में, बिल्कुल आप लोग पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये कोई स्कूटर है या फिर ये R15 खड़ी है। तो स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको, पूरा LED DRLs मिल रही हैं, आगे LED टेल लैम्प्स मिल रहे हैं, तो ये सारे फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। फीचर्स के ऊपर डिटेल में आगे भी बात करने वाला हूं, लेकिन डिज़ाइन जो है बहुत ही कमाल का है। इनफैक्ट यहां पर आप लोग को पीछे बैकबोन दिख रही है, स्कूटर की स्पाइन दिख रही है, तो ये बहुत ही यूनिक स्टाइलिंग है, ऐसा आपको किसी स्कूटर में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा प्लेटफॉर्म जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्ट देता है। अगर आप लोग इसको एक बाइक की तरह देखें तो आप लोग को इसके अंदर जो बैठना पड़ता है वो इस तरीके से बैठना पड़ता है, आप लोग यहाँ से पैर लेके ऐसे नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि आपका यहाँ पर पैर लड़ेगा। तो ये कुछ डिज़ाइन है इसके, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग इसको बाइक की तरह ट्रीट करते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही थॉटफुल डिज़ाइन है, जो मैं यामाहा की टीम के कहना चाहूँगा कि भाई ये बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है और ये वाकई में एक यूनिक स्कूटर है। तो स्कूटर और बाइक के अंदर सबसे बड़ा फर्क होता है उसकी राइड क्वालिटी का। जहाँ पर आप लोग अगर स्कूटर में देखते हैं तो आपको छोटे टायर्स मिलते हैं, लेकिन बाइक में आपको थोड़े से बड़े टायर मिलते हैं, लेकिन ये स्कूटर एक्सेप्शन है, क्योंकि स्कूटर के अंदर जो आपको टायर्स मिलते हैं वो 14 इंचेस के टायर मिलते हैं, आगे वाले भी और पीछे वाले भी आपको 14 इंचेस के टायर मिलते हैं। वहीं टायर भी बड़े मिलते हैं आपको नॉर्मल स्कूटर की कंपैरिजन में, क्योंकि एक्टिवा जुपिटर एंटोर वगैरह में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 12 इंच के टायर्स मिलते हैं, इसमें आपको बड़े 14 इंच के टायर मिल जाते हैं। इनफैक्ट इस टायर के अंदर जो आपको साइजेस मिलते हैं वो 110/80 सेक्शन के टायर मिलता है फ्रंट वाला, वहीं जो पीछे वाला है वो और चौड़ा टायर है, वो 140/70 सेक्शन का टायर है, तो वो ज़्यादा चौड़ा है और इससे क्या होता है कि आपको रोड पर ज़्यादा ग्रिप मिल जाएगी। अगर आप लोग बेंड्स पे मुड़ना चाहते हैं, इससे आप लोग कॉर्नरिंग भी कर सकते हैं स्कूटर के साथ, वैसे तो कोई कॉर्नरिंग करता नहीं है स्कूटर्स पे, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है क्योंकि टायर्स काफ़ी वाइड है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि टायर्स के अंदर क्या खासियत है, पहली खासियत यह है कि इसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और दूसरी चीज़ यह है कि इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। अब ABS मिल रहा है एक स्कूटर के अंदर तो ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये स्कूटर जो है एक प्रीमियम सेगमेंट की स्कूटर है, प्राइस भी ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके अंदर जो है सिंगल चैनल ABS दिया हुआ है। मतलब पीछे वाले टायर में आपको डुअल चैनल, मतलब अगर डुअल चैनल होता तो आपको पीछे भी ABS की रिंग मिल जाती, आगे भी मिल जाती, लेकिन अभी आपको आगे ही मिल रही है, इसलिए सिंगल चैनल ABS है और आपको सिंगल डिस्क मिलती है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक दी जा रही है। तो ये ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है स्कूटर्स की, लेकिन अगर इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर इसमें आपको डुअल चैनल ABS और एटलीस्ट डुअल डिस्क दे दी जाती तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा और बेटर ऑप्शन हो जाता। और सबसे बड़ी खासियत इस यामाहा एरोस 155 के अंदर है इसके कमाल के फीचर्स। अब ये स्कूटर जो है एक प्रीमियम सेगमेंट की स्कूटर है, इसीलिए इसके अंदर आपको फीचर भी काफ़ी प्रीमियम वाले मिल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो चाबी दी हुई है, अगर आप लोग इस चाबी को यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ से आप लोग दो चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। पहली चीज़ यह है कि अगर आप लोग इसका यहाँ पर फ्यूल लिड दिया हुआ है जहाँ से आप लोग फ्यूल डलवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई फ्यूल टैंक नहीं मिलता है, फ्यूल टैंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर आप लोग उसको खोलना है तो आप लोग इसको की को यहाँ पर ओपन पे कर दीजिए तो ये फ्यूल टैंक आपका ऐसे करके खुल जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर खुलता है, फिर यहाँ पर ढक्कन खोल के आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। दूसरा बटन यहाँ पर दिया हुआ है सीट वाला, अगर आप लोग सीट दबाते हैं तो आप लोग यहाँ से सीट को खोल सकते हैं। सीट की कैपेसिटी कितनी है वो 24.5 लीटर्स की है, लेकिन हेलमेट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं सारे फीचर्स भी कवर करूंगा, और तो और मैं आपको सारे टेस्ट भी करके दिखाऊंगा जहां पर मैं इसके अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट करूंगा। अगर आपने मोटरहोमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लेने का मन बना रहे हैं तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लेकिन अगर और फीचर्स की बात करता हूं तो देखिए फ्रंट में अगर आप लोग देखेंगे तो स्कूटर के अंदर आपको यहाँ पे LED DRLs दी हुई हैं, जिस तरीके से आपको R15 के अंदर मिलती है, आपको यहाँ पर LED हेडलाइट्स मिल रही हैं, रियर में आपको LED टेल लैम्प्स मिल रहे हैं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसके अंदर जो आपको इंडिकेटर्स मिलने चाहिए थे वो भी LED वाले ही मिलने चाहिए थे। लेकिन अगर कहूँ मैं भाई प्राइस कम करने के लिए, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करने के लिए, यहाँ पर आपको बल्ब वाले ही इंडिकेटर दिए हुए हैं, तो जो लोगों को LED वाला चाहिए तो आपको वहाँ बाहर से लगवाना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर नहीं मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये आपको एक LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो एक काइंड ऑफ नेगेटिव डिस्प्ले ही है, जिसमें अगर आप लोग धूप वगैरह में राइड करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर फीचर्स की बात करता हूँ तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है मेन्यू वाला, जिससे अगर आप लोग चेंज करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑडोमीटर आ रहा है, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ट्रिप ए आ रही है, ट्रिप बी आ रही है, यहाँ पे आपको फ्यूल दिखाई दे रहा है, एवरेज दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कितना बैटरी वोल्टेज वगैरह है। तो काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और दूसरे फीचर्स ये हैं कि अगर आप लोग इसको इसके ऐप से कनेक्ट करते हैं, यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट की ऐप आती है, उसमें आप लोग मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसके अंदर, तो अगर आप लोग कनेक्ट करते हैं, मोबाइल को पेयर करते हैं जिस तरीके से एंटॉर्क वगैरह में आता है, उस तरीके से आपको उसके अंदर ऐप के अंदर भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप लोग कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको SMS की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कॉल की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और तो और आपको सर्विस रिमाइंडर्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप लोग ऐप के अंदर देखते हैं तो आपको RPM मीटर मिल जाएगा, आपका पूरा राइड का चार्ट मिल जाएगा, और आपका माइलेज का कितना फ्यूल कंजम्पशन चेक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसके ऐप के अंदर मिलते हैं, और भी कई सारे फीचर्स ये अपने स्कूटर साथ में लेके आती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ब्रेक्स आपको इसके अंदर सिंगल डिस्क मिल रही है और सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। तो ये कुछ सारे फीचर्स हैं जो आपको स्कूटर के अंदर मिलते हैं। और डिटेल में फीचर्स को जानने के लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग को और बेटर क्लैरिटी मिल जाए। तो ये हो गई सारी खासियत इस यामाहा एरॉक्स 155 के बारे में। लेकिन अब आइए बात करते हैं उन कमियों की जो शायद इस स्कूटर के अंदर थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती थी। तो पहली कमी तो यही है कि भाई ये स्कूटर जो है प्लास्टिक की है। अब प्लास्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है, उसके अपने फायदे होते हैं कि भाई फ्यूल आपको अच्छा मिल जाता है, मतलब माइलेज अच्छा मिल जाता है, बाइक थोड़ी सी राइड में आपको हल्की फील होने लगती है। लेकिन क्वालिटी की जहां पर बात आती है तो क्वालिटी आपको स्कूटर के अंदर काफ़ी अच्छी मिलती है प्लास्टिक की। लेकिन अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा जो मैं हर स्कूटर के साथ कहता हूँ या फिर हर वो गाड़ी के साथ कहता हूँ जिसमें आपको प्लास्टिक मटेरियल मिलता है, कि देखने में तब तक प्लास्टिक बहुत अच्छा लगता है जब तक वो टूटता नहीं है या फिर उसके अंदर स्क्रैच नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही उसके अंदर स्क्रैच आने लग जाते हैं तो सिर्फ एक ही इलाज होता है कि आप लोग को पार्ट्स को बदलवाना पड़ जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को स्कूटर के अंदर वो पार्ट बदलवाना पड़ेगा, आप लोग उसको फिनिश नहीं करवा सकते हैं, रबिंग से भी ठीक नहीं होता है क्योंकि वो मेटल नहीं है तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आ पाती है, वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो या तो आप लोग इससे बचने के लिए, आप लोग स्क्रैच वगैरह से बचना चाहते हैं तो आप लोग इसमें कोई कोटिंग वगैरह करा लीजिए, उसमें आप लोगों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वो चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग इतना पैसा खर्च किया, आप लोग और पैसा खर्च करना एक मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप लोग एक स्कूटर इतनी महंगी खरीद रहे हैं उसके बाद अगर आप लोग को प्लास्टिक मटेरियल मिल रहा है तो कहीं भी अगर आप लोग एटलीस्ट मेटल दे दिया जाता तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड हो जाता। और दूसरी कमी स्कूटर के अंदर ये है, पहली तो ये है कि भाई इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग अगर इसको ऑन करते हैं, यहाँ पर जो फ्यूल लिड दिया हुआ है इसकी जो क्वालिटी है ये इतनी अप टू द मार्क नहीं है, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट मटेरियल लगा हुआ है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि कितना इसमें हल्का मटेरियल लगा हुआ है, सिर्फ एक स्प्रिंग से ये चीज़ जुड़ी हुई है, ये कभी भी निकल सकती है इसके अंदर, जो क्लोज करने के बाद भी यहाँ पे गैप्स पैनल के अंदर दिखाई पड़ जाते हैं, तो इतना फिनिशिंग लुक वाला लुक नहीं आता है, और जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी लाइट सी है। दूसरी कमी इसके अंदर रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग ये प्लास्टिक पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वालिटी दी गई है ये बहुत ही हल्की क्वालिटी है, जिस तरीके से यहाँ पे दी गई है उसी तरीके से आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन एक फ़ायदा यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है, लेकिन वो चार्जिंग सॉकेट जो है वो USB पोर्ट नहीं है कि आप लोग अपना मोबाइल की लीड यहाँ पर डायरेक्ट लगा के नॉर्मल स्कूटर की तरह चार्ज कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट चाहिए। चार्जिंग सॉकेट इसके अंदर दिया हुआ है लेकिन एक प्लग चाहिए होगा 12 वोल्ट वाला, फिर उसके बाद आप लोग USB पोर्ट लगाएंगे और आप लोग चार्जिंग में यहाँ पे स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं, जो इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन इसकी क्वालिटी अगर मैं बात करूँ, कमी यही है कि यहाँ पर इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी जो है पैनल्स दिए हुए हैं प्लास्टिक वाले, इनकी क्वालिटी थोड़ी सी और इंप्रूव की जा सकती थी, क्योंकि ओवरऑल जो क्वालिटी है स्कूटर की वो तो काफ़ी अच्छी है प्लास्टिक, लेकिन काफ़ी क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही सॉलिड प्लास्टिक है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ को लेकर। लेकिन थोड़ा सा अगर और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है यहाँ पर, तो ये यामाहा इसके फेसलिफ्ट मॉडल में या फिर इसके अपकमिंग मॉडल्स के अंदर उसको चेंज कर सकती है। अब एक कमी जो यामाहा ने एरॉक्स के अंदर छोड़ दी है, और वो ये है कि इसके अंदर जो आपको सस्पेंशन मिलता है वो फ्रंट में तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको वो कंफर्ट नहीं मिल पाता है जिस तरीके से आपको इस ऐसे लेवल की स्कूटर के अंदर मिलना चाहिए था। क्योंकि सस्पेंशन जो है यहाँ पर, पहली बात तो ये है, ये चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है कि इसके अंदर बहुत ही पतले सस्पेंशन दिए हुए हैं, और यहाँ पर जो स्पेस है
वो काफी कम है, जिसकी वजह से सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो बहुत कम है। स्कूटर जो है वो आगे से हैंडल जो है स्कूटर का वो झुका हुआ है, और अगर आप लोग को आपका जो पूरा वेट होता है, आपकी जो बॉडी का पूरा वेट है वो पूरा आगे वाले हैंडल पे आता है, लेकिन जब आप लोग स्कूटर को चलाते हैं तो झटके जो है वो आपके सीधा हैंडल पर आते हैं और आपको वो चीज़ फील होती है, तो इतना कम्फी फील आपको नहीं होता है स्कूटर के अंदर। तो अगर मैं आप लोग को पीछे लेके आता हूँ तो यहाँ का पीछे वाला सस्पेंशन जो है, नॉर्मली आपको बाइक्स वगैरह में आजकल मोनोचोक सस्पेंशन मिलते हैं, जो आपको सिंगल सस्पेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग स्कूटर के अंदर देख पा रहे हैं कि आपको ड्यूअल सस्पेंशन मिल रहे हैं। अब राइड क्वालिटी की जहाँ पर बात है, तो ये सस्पेंशन जो है ये थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड फील होता है जब ये गाड़ी जो है, जब ये स्कूटर जो है किसी पॉट होल्स पे जाती है, किसी गड्ढों पे जब आप उसको स्कूटर को चलाएंगे, या ख़राब सड़कों पे अगर आप लोग स्कूटर को चला रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ फील होगी कि यार ये सीधा झटका जो है आपकी यहाँ पर फील होता है। उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे क्वालिटी जो है बहुत हार्ड कर दी गई है, इसको आप लोग प्री लोड इसका एडजस्ट भी नहीं कर सकते, इसमें कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे जो हम्प दिया हुआ है, तो ये स्टिफ होने की वजह से जो सीधा इंपैक्ट आता है वो आपकी सीट पे आता है, और आपको ये बैक पे इसका जो पेन होता है वो आपको पता चलता है। तो अगर इसके अंदर प्री लोड एडजस्ट दे दिया जाता, अगर आप लोग उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर पाते, या फिर इसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट सस्पेंशन मिल पाता, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बेटर आपको राइड क्वालिटी मिल पाती। लेकिन अगर आप लोग इसको मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो आपको यामाहा की तरफ से भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, और अगर आप लोग आफ्टर मार्केट जाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर गैस चार्ज वाले सस्पेंशन लगवा सकते हैं, या फिर आप लोग को दूसरी कोई मॉडिफिकेशन करानी है तो वो भी आप लोग स्कूटर के अंदर करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट कमी की बात करता हूं, या फिर नेक्स्ट इंप्रूवमेंट एरिया की बात करता हूं, जो आपके हिसाब से बहुत बड़ी कमी हो सकती है लेकिन मेरे हिसाब से छोटी कमी है, कि स्कूटर के अंदर आपको नेविगेशन का फीचर दे दिया जाता, क्योंकि ये फीचर तो एंटॉर्क जैसे स्कूटर में जो इससे सस्ती आती है, इससे काफ़ी सस्ती आती है, उसके अंदर भी दिया जाता है, और भी बहुत सारी स्कूटर जो है, बाइक जो है आजकल 100cc वाली बाइक से भी आपको किसी नेविगेशन आपको छोटा बहुत तो देखने को मिल ही जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर जो इतनी एक्सपेंसिव स्कूटर है, इसके अंदर अगर आप लोग को प्रीमियम स्कूटर है, इसमें अगर आप लोग को ये नेविगेशन नहीं दिया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से छोटी सी कमी है जिन लोगों को नेविगेशन स्कूटर के अंदर चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो एंटॉर्क वगैरह के अंदर भी जो नेविगेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि मैं एक एंटॉर्क ओनर हूँ और मैं इस चीज़ से काफ़ी परेशान हूँ अगर मैं सच बताऊँ, कि वो नेविगेशन जो होता है वो इतना अच्छा आपको नहीं दिखाई पड़ता है अगर एक नेगेटिव डिस्प्ले है। लेकिन अगर इस स्कूटर के अंदर आपको, या फिर एंटॉर्क के अंदर कोई कलर डिस्प्ले दे दिया जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को नेविगेशन कलर दिखाई पड़ता, तो एटलीस्ट आप लोग को दिखाई पड़ता, क्योंकि अगर आप लोग स्कूटर चला रहे हैं तो आप लोग बार बार मीटर की तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप लोग को वो चीज़ कलर्ड होती तो आपको थोड़ा सा और अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती, क्योंकि इस तरह के नेगेटिव डिस्प्ले में, LCD डिस्प्ले में अगर ऊपर से सनलाइट पड़ती है तो ये बिल्कुल ही आपको दिखाई नहीं पड़ता है, क्लैरिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और अगर आपने हेलमेट लगा रखा है तो फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता है कि इसके अंदर कितना लिखा हुआ है, क्या मीटर्स में लिखा हुआ आ रहा है, या फिर क्या नेविगेशन लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि वो नेविगेशन जो होता है वो गूगल मैप्स की तरह नहीं होता है, बल्कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन होता है। उसके अलावा जो फीचर्स मिसिंग है इसके अंदर वो ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके अंदर आपको LED इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, बल्ब वाले नॉर्मल कन्वेंशनल इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से LED इंडिकेटर्स मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं थी, दे देनी चाहिए थी। उसके अलावा सिंगल चैनल ABS मिल रहा है और सिंगल डिस्क ही मिल रही है, आगे ही आपको ABS मिल रहा है, आगे ही आपको डिस्क मिल रही है, पीछे वाली ब्रेक को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए था, जहाँ पर आप लोगों को वैसे अच्छी ब्रेक है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव ब्रेक है, लेकिन अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की बात करी जाती, क्योंकि प्राइस आप लोग इतना पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों को डुअल चैनल ABS और एटलीस्ट डुअल डिस्क तो दे ही देनी चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स में कमी है जो इसको और इम्प्रूव बना सकती है, अगर इसका अपडेट आता है एरोक्स का, इसके अंदर कोई अपडेटेड वर्जन आता है, इसका कोई नया वेरियंट आता है, तो उसके अंदर मेरे हिसाब से ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, इस कमी को दूर कर देगी यामाहा। लेकिन अगर एक और कमी की बात करता हूँ तो वो कमी ये है कि यहाँ पर जो लोग इस स्कूटर को एक ऐसी स्कूटर देखते हैं जिसको जो डेली कम्यूटिंग करना चाहते हैं, और उनके लिए जो फुटबोर्ड का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उनके लिए शायद ये स्कूटर इतनी सही नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको फुटबोर्ड में जो स्पेस मिलता है, जहाँ पर आप लोग बैग रख सकते हैं, कोई आप लोग अगर सिलेंडर वगैरह रखना चाहते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए स्कूटर को यूज़ करते हैं, दुकान है आपकी, आप सामान रख के लेके जाना चाहते हैं, रोज़मर्रा शाम को आपको डिलीवरी वगैरह करनी है, कुछ भी आप लोग सामान रख सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिसिंग मिलती है। लेकिन इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है वो बहुत अच्छा मिल जाता है, 24.5 kg का आपको यहाँ पर लीटर्स का जो आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा स्पेस है, मेरा पूरा सामान इसके अंदर भरा हुआ है, तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेस होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो ये एक मिसिंग तो है, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कोई कम्यूटर स्कूटर नहीं है, बल्कि ये एक परफॉर्मेंस ड्रिवन स्कूटर है, एक आपको बाइक वाला फील देने के लिए, बाइक वाली परफॉर्मेंस के साथ ये स्कूटर आती है, तो इसके अंदर ये चीज़ बहुत से लोगों को एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। और अब बात करता हूँ उस फाइनल ओपिनियन की, कि क्या है आपको स्कूटर लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, या फिर ये 100% सही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ इसके लिए। लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये स्कूटर जो है, अगर आप लोग लेते हैं और अगर आप लोग का बजट अलाउ करता है, तो आप लोग स्कूटर के लिए बिल्कुल जा सकते हैं।
अगर बात करता हूँ प्राइस की, कितने की पड़ती है ये स्कूटर, तो देखिए इसका जो प्राइस है दिल्ली के अंदर वो आप लोग को 1,40,000 के आसपास इसका एक शोरूम मिल जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो वहाँ पे जो एक शोरूम प्राइस है वो वेरी कर सकता है। लेकिन अगर बात करता हूँ कि भाई इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली में जो है वो 1.5 लाख से 1,60,000 के बीच में आ जाता है, और मेरे हिसाब से 1,60,000 रुपये खर्च करना किसी स्कूटर के ऊपर इंडियन मार्केट में कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 1,60,000 में लोग बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं और अच्छी बाइक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक स्कूटर ले रहे हैं तो आपको स्कूटर क्यों लेनी चाहिए? देखिए, आपको स्कूटर इसलिए लेनी चाहिए कि स्कूटर के अंदर आपको बाइक वाली परफॉर्मेंस मिल रही है, बड़ा स्टोरेज मिल रहा है जो आपको बाइक के अंदर नहीं मिल सकता है, इसके अंदर आपको VVA टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसका मतलब ये होता है कि जो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं जाऊँगा लेकिन आपको ये बता दूंगा कि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है कि इसके अंदर आपको जो पावर होगी वो पावर स्टेबल पावर मिलती है, चाहे आप इसके लो एंड पे बात करिए, हाई एंड पे बात करिए। और अगर हाई एंड पे आप लोग चलाते हैं, मतलब आप लोग टॉप स्पीड पे जाते हैं स्कूटर के अंदर, तो आप लोग को जो पावर लैग होने लगती है, पावर की कमी जहाँ महसूस होती है, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं महसूस होगी। इतनी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली स्कूटर बनाई गई है। और ये चीज़ ये है कि स्कूटर के अंदर आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिलती है, तो इसके अंदर आप लोगों को कोई हीटिंग के भी इशू नहीं होने वाले हैं। लंबी राइड्स कर सकते हैं, लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं, उसी तरीके जिस तरीके से आप किसी बाइक के अंदर कर सकते हैं। पावर की भी कोई कमी नहीं है, 15 BHP की पावर मिल रही है, बड़े टायर्स मिल रहे हैं, अच्छे खासे फीचर्स मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत सारा अच्छा कंप्लीट पैकेज है आपके सामने, जहां पर आप लोग को बाइक्स वाले लुक के साथ एक प्रैक्टिकल स्कूटर मिल रही है, जहां पर आप लोग को थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस की कमी है, जो बाद में मानता हूं कि यहां पर अगर आप लोग को थोड़ा सा और स्पेस दे देना चाहिए था तो एक बेटर ऑप्शन बन सकता था उन लोगों के लिए जो लोग यहां पर सामान रखना चाहते हैं या फिर जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए स्कूटर को यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि स्कूटर को लोग अक्सर इसीलिए खरीदते हैं कि भाई इसको डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चला सकें, और अगर स्पेस नहीं होगा तो ये थोड़ा सा चैलेंज तो होता ही है। लेकिन अगर आप लोग को एक परफॉर्मेंस जीवन स्कूटर चाहिए जैसे ये है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल स्कूटर है, और अगर आप लोग MotoGP वगैरह देखते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये स्कूटर जो है ट्रैक्स पे भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि अगर ये जो MotoGP के राइडर्स होते हैं उनको लाने के लिए स्कूटर यूज़ होती है, जो यामाहा की एरोक्सी होती है, और इसी तरीके की यामाहा की और भी मैक्सी स्कूटर्स आती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक के साइड में पिट स्टॉप वगैरह पे राइडर्स को ले जाने के लिए, अगर कोई गिर जाता है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो होती है वो सारी दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत प्रीमियम स्कूटर है, इसके अंदर अगर सामान रखने की जगह नहीं है तो स्टोरेज यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो अगर आप लोग स्टोरेज आपके लिए कोई मैटर नहीं है तो आप लोग इस स्कूटर को ले सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी ली है तो आप लोग इस वीडियो को एक बटन दबा के लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाके चेकआउट करिए, बाकी वीडियोज़ को कंपैरिजन देखिए, वीडियो देखिए 2 व्हीलर्स की, 4 व्हीलर्स की बाकी वीडियो देखिए, जाके आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बटन दबा के MotoRamesh को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग MotoRamesh पे आना चाहते हैं और अपनी किसी कार एंड बाइक का कोई रिव्यू करवाना चाहते हैं, अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो बुरा एक्सपीरियंस हो, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक पर क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स को भरिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा और आपके पास आके आपकी गाड़ी का रिव्यू भी कर दूंगा, आपके ओनरशिप एक्सपीरियंस को दुनिया को दिखा दूंगा। और अगर आपने MotoRamesh को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर MotoRamesh1 डालकर या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर MotoRamesh को जरूर फॉलो कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हाई।